हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कम निवेश में आप शुरू कर सकते हैं हेल्दी स्नैक्स के बिजनेस। तो दोस्तों, इसमें 8 लाख तक की आपकी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, लोगों में हेल्दी फूड्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसी वजह से हेल्दी स्नैक्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में हेल्दी स्नैक्स का मार्केट और तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप हेल्दी स्नैक्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 3 बिजनेसेस के बारे में बताएंगे, ये बिजनेस काफी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं। आप इनमें 8 लाख रुपए तक की सालाना कमाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन बिजनेस के लिए आप सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसी स्कीम के तहत लोन भी ले सकते हैं। आप जानते हैं कि इन स्कीम के तहत मिलने वाले लोन पर सरकार सब्सिडी देती है। इसके तहत जो भी आप बिजनेस शुरू करेंगे आप सब्सिडी पा सकते हैं। 2,40,000 में शुरू हो जाएगा दलिया मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। अगर आप बजट अधिक आपका नहीं है तो दलिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। इसमें लगभग 2,40,000 रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है। यह बिजनेस आप इसको शुरू कर सकते हैं। इससे आप लगभग 600 क्विंटल दलिया तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ दलिया लगभग 1200 रुपए क्विंटल के रेट से बेच सकते हैं तो आपको लगभग 7,19,000 रुपए की सेल होगी, जिसमें सारे खर्च घटाकर आपको लगभग 1,16,000 रुपए की इनकम हो सकती है। पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ KVIC की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बनाना चिप्स का बिजनेस 4.5 लाख रुपए में शुरू होगा। बनाना चिप्स का बिजनेस हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी में बनाना चिप्स की खासी पहचान है। आप भी बनाना चिप्स बनाने का यूनिट लगा सकते हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4,50,000 रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट से आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप लगभग 24 टन चिप्स बनाने वाली यूनिट लगा सकते हैं। आप 24 टन चिप्स बेच सकते हैं और आपकी इसमें कुल इनकम 7,83,000 रुपए तक हो सकती है। इसको भी आप KVCI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मशीन के लिए आप IndiaMart.com चेक कर सकते हैं। फ्रूट बार का बिजनेस 2,82,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। फ्रूट बार का बिजनेस, तो दोस्तों फ्रूट बार का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बिजनेस की प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 12,82,000 रुपए के आसपास आती है। इसमें आप लगभग 7 टन फ्रूट बार तैयार कर सकते हैं। इसमें लगभग आपको 5,08,000 रुपए की इनकम हो सकती है। दोस्तों, इसकी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है KVIC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये बिजनेसेस आप कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स को बनाकर आप पहले लोकल मार्केट में रिटेलर्स को या होलसेलर को बेच सकते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम बना सकते हैं। इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में प्रमोट कर सकते हैं और धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर भी अपनी सेल को दूसरी स्टेट्स में बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार।